ना बिजली लगे न बल्ब लेकिन घर में उजाला, कुछ ऐसी ही कहानी है पुणे में जनता वसाहर इलाके की। पुणे के इस झोपड़पट्टी वाले इलाके में इन दिनों बोतल बल्ब देखे जा सकते हैं। बात देखिए कि क्या है ये बोतल बल्ब और कैसे रोशन होते हैं इससे घर। इसे विज्ञान और जुगाड़ का नाम दे सकते हैं। रोशनी फैला रहे इस बल्ब को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह की बिजली सप्लाई की जा रही है। प्लास्टिक की इस बोतल में घर की छत पर ड्रिल करके इसका चौथाई हिस्सा बाहर की तरफ रखा जाता है और अंदर के हिस्से में क्लोरीन, ब्लीच और पानी भरा होता है। जैसे जैसे इस बोतल पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, वैसे वैसे इसका प्रकाश कमरे में फैलने लगता है बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। इस अनोखे बल्ब का इस्तेमाल करने वाले लोग भी अपने भारी भरकम बिल में कटौती देख खुशी महसूस करते हैं। पहले हमें अपने घरों में दिन भर लाइट जलाकर रखनी पड़ती थी। लाइट नहीं होने पर हम लोग बाहर बैठते थे। जब हमें इस बल्ब के बारे में मालूम हुआ और इसे बनाया तो अब बिजली की कोई टेंशन नहीं है। किचन अंदर खोले घर आली। दरअसल झोपड़पट्टी इलाके में लोगों के घर इतने सटे होते थे कि उनमें दिन के समय भी रोशनी नहीं होती थी, जिससे इन लोगों को दिन भर लाइट लगानी पड़ती थी और फिर बिल भी काफी आता है। इसी इलाके में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले एक शख्स का कहना है कि उन्होंने जापान में ऐसा वीडियो देखा था जहाँ से इस बल्ब को बनाने की प्रेरणा मिली। में हम जब सोशल एक्टिविटीज कर रहे थे तब ऐसे गरीब लोगों के घर में हमने देखा कि उनके नॉर्मली जो लाइट के बिल आते थे वो बहुत ज्यादा आते थे। हम सोच रहे थे इसके ऊपर सोलर सिस्टम वगैरह लगाया जाए लेकिन वो खर्चा बहुत था, इसलिए बीच में ऐसा हुआ कि एक वीडियो हमको जापान से मिला था कि जिसमें वाटर बल्ब का उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था वो बहुत अच्छा था, जिसमें कुछ खर्चा नहीं था और वो 100 के बल्ब पे जैसा उसका प्रकाश मिल रहा था। तो हमने ये सोचा और जनता वसत में ट्रायल बेस के ऊपर 20 घरों में हमने किया और इसकी वजह से लाइट में बचत होने लगी। और आगे स्लम एरिया में जैसा हुआ वैसे कुछ लोग खोपली से आए, कुछ दापोली से आए, कोकन एरिया से भी आए बहुत लोग। और इसकी वजह मैं जो गढ़चिरौली में नक्सलाइज्ड एरिया में काम करता हूँ वहाँ के आदिवासी लोगों में ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल अब इस प्रयोग को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और कजरत जैसे दूर दराज के इलाकों में ले जाने की तैयारी हो रही है जहाँ बिखरेगी इस बोतल बल्ब की रोशनी। अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, पुणे।